डॉक्टर देव संग्राम लंदन नहीं गए, मुंबई ट्रांजिट में उतरकर चेन्नई आ गए हैं। ये मेरे फ्रेंड के थ्रू पता चला है, उनका ECR में एक गेस्ट हाउस है, वो वहाँ हो सकते हैं। सॉरी, कल माँ ने जो कुछ भी कहा। मुझे पता था तुम लोग आओगे जरूर। एक इंसान की जान बचाना डॉक्टर का फर्ज होता है, लेकिन एक इंसान की जान लेने का पाप आपने क्यों किया? ऑर्गन ट्रेड दुनिया में ये बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। पैसे के लिए इंसान के ऑर्गन्स बेचना और खरीदना, ये पाप मैंने किया, लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सिंह परमार का बेटा दोराई, आपको बाहर निकालने के लिए दोराई सर ने मुझे भेजा है, वो लाइन पे है, आपसे बात करना चाहते हैं। पापा, अपने मुंह से मुझे पापा मत बुलाओ। इतने सालों में मैंने जो भी इज्जत कमाई, लोगों के बीच में अपनी मान मर्यादा मैंने बनाई, उन सब को तुमने उजाड़ कर रख दिया। संपत ने बोल दिया क्या? ज्यादा इमोशनल मत होइए, गलतियां होती रहती हैं, बिजनेस में ऐसा ही होता है। दूसरों की जिंदगी से खेलना तुम्हारा बिजनेस है? एक बाप जो कभी नहीं बोल सकता, वो आज मैं तुमसे बोल रहा हूँ। तुम चैन से नहीं जी पाओगे। मजिस्ट्रेट के सामने मैं तुम्हारे बारे में सारे सच बताकर तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़वा दूंगा। मानता हूँ आपको बिना बताए मैंने अपने आदमी को आपके यहाँ रख दिया। अब बाप की जायदाद में बेटे का हक तो बनता ही है ना। ध्यान से सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको मानिएगा तो कुछ दिन और जिंदा रहिएगा। मुझे अपनी जिंदगी भीख के रूप में तुमसे लेने की कोई जरूरत नहीं। तुमने जो कुकर्म किए हैं ना, उनकी सजा दिलवा कर ही मैं मरूंगा। फिर मुझे छोड़ना पड़ा दिवाली का रॉकेट। वो मेडिकल टूरिज्म, बाहर देश से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फॉरनर्स इंडिया आते हैं, उनके साथ क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता, लेकिन शरीर के अंग बदले जाते हैं। शरीर के अंगों को बदलने के लिए दूसरे देशों से ज्यादा चांसेस यहाँ पर है और पैसा भी कम लगता है। शरीर के अंग बदलवाने वाले फॉरनर्स और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिनके एजेंट्स काम करते हैं, उनका ब्रोकर है दोराई। शरीर के अंग की चोरी में हमें पता है कि एक ही अंग किडनी है, लेकिन इसके अलावा हम शरीर के बहुत सारे अंगों को ट्रेड मार्केट में बदलते हैं। मान लीजिए मेरे शरीर का वजन 90 किलो है, तो इसे घटाकर नस में हार्मोन सिक्रीशन करके टिश्यूज और फेफड़े ठीक से फंक्शन करके दिल को एक मिनट में 87 बार धड़काया जा सकता है, तो मेरे शरीर की कीमत इंडियन रुपीस में लगभग 2 करोड़ रुपए होगी। जो बच्चे बाहर से आके यहाँ नौकरी करते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं होने की वजह से उन्हें एम्बुलेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड दी जाती है, जिससे उनका ब्रेन डेड हो जाता है और फिर उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा उतनी ही हो कि उससे दूसरे शरीर के अंगों पर प्रभाव ना पड़े, और फिर उसे थोड़ी सी ऑक्सीजन देके उसे जिंदा रखा जाता है, और यह सिलसिला काफी अरसे से चल रहा है। मेरे इकलौते बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट भी इसी तरह हुआ था। यस, उसके लिए मैं इस बात पे राजी हो गया था। बचपन से ही उसे दिल की बीमारी थी, तो हार्ट ट्रांसप्लांट के बिना उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। ऐसे हालात में दोराई ने मेरे साथ सौदा किया, लेकिन ऑपरेशन के 6 महीने बाद ही वो गुजर गया। मैंने दोराई से कहा कि मैं वैसा और आगे कुछ नहीं करना चाहता। डॉक्टर, या तो आपको मरना होगा या मुझे मरना होगा, तब तक के लिए अपने बीच होने वाले डील को कैंसिल नहीं कर सकते। धमकी दे रहे हो क्या? पुलिस के पास जाओगे क्या? ना मैं पुलिस के पास जाऊंगा और ना ही मीडिया के पास जाऊंगा। अब पूछोगे कौन सा सबूत है मेरे पास? हमने जो डील की बात की और जो पैसे आपको दिए, उन सब का पक्का वीडियो है मेरे पास। दोराई, ये बहुत गलत है। मैं जिस लड़के पे हाथ रख देता हूँ, आंख बंद करके वो पक्का वफादार हो जाता है, क्योंकि वो लोग जिंदा रहेंगे तो उनके परिवार को ही फायदा होगा, मरेंगे तो भी कई लोगों का फायदा होगा। गोश्त खाने के लिए लोग मुर्गे नहीं पालते। ऐसी सोच रखोगे तो चीजें डाइजेस्ट हो जाएंगी। आप लोगों के आने से ठीक एक मिनट पहले मैंने पानी लाओ, एक इंजेक्शन लगा लिया। आई एम काउंटिंग माय लास्ट मिनट्स। इतना बताना चाहूंगा कि तोराई आम आदमी नहीं है।
जब वो अपने बाप को मार सकता है तो फिर मैं क्या चीज हूँ? उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में मैं और सिंह परमार एक साथ हैं। ये भी दोराई का ही आइडिया था। कोई भी डॉक्टर से मैं बच नहीं पाऊंगा। मैंने इंजेक्शन लगाया 0.2 डाइमिथाइल मर्करी का। फेमस डॉक्टर डॉक्टर देव मैंने कहा था मैं देख लूंगा, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही डर गए। तुम फिक्र मत करो, सब करेक्ट चलेगा। डोंट वरी। यही उनकी आत्महत्या का कारण हो सकता है। पुलिस कोशिश कर रही। मैं आगे चलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे ही आ जाना। ठीक है, ठीक है सर। प्रेस मीटिंग के बाद आपको मिलने के लिए बोला है। ओके। कमिश्नर साहब को जो सच है वो सब बताना चाहिए सर। कमिश्नर, सर कौन जिम्मेदार? इस ब्लास्ट का जिम्मेदार कौन है सर? देखिए, इस केस की पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है। एक स्पेशल टीम फुल स्विंग के साथ इस केस में लगी हुई है। इंस्पेक्टर सत्यमूर्ति ने 6 महीने पहले 2 टेररिस्ट को अरेस्ट किया था और वो दोनों टेररिस्ट खतरनाक संगठन से थे। हमें पता चला कि वो सिंह परमार को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए शक के बिना पर हमने उन्हें अरेस्ट किया था। ऐसा माना जा रहा है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट भी इसी संगठन का ही काम है। सिटी पुलिस का IS अथॉरिटी कमिश्नर है, उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? और अगर करेंगे तो अपने बाप के लिए रखा था ना एक बॉम्ब, वैसे एक दिन हमारे और तुम्हारे लिए भी होगा। अब बात यह है कि हमारे पास जो सबूत है वो दोराई के खिलाफ पक्के सबूत नहीं है। होगा तो भी क्या कर लेगा, कमिश्नर उसकी तरफ से है ना। कमिश्नर उसकी तरफ है तो क्या हुआ, मीडिया है, कोर्ट है, वफादार जजेस है। दोराई के खिलाफ एक ही सॉलिड एविडेंस बहुत है, तो उसे हम उठा सकते हैं। महेश, तुम चाहे कुछ भी करो, किसी को भी अरेस्ट करो, चार्जशीट पर मैं साइन करूंगा। FIR चार्जशीट किसी काम की नहीं है। जब पूरे अधिकार अपने हाथ में ही नहीं है तो वक्त आने पर अच्छे काम भी गलत रास्ते से ही करने पड़ेंगे। तो इलीगली करने वाले हो? हम सब भाई की तरह काम करते हैं। उम्र का फर्क होने के बावजूद IR JR बोलते हैं तो उसके लिए मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन इसमें तू मुझे अंदर मत खींचना भाई। मैं भी एक साधारण सा इंसान हूँ, परिवार और बच्चे सब है मेरे, इसलिए मैं तेरा साथ नहीं दे सकता और ना दूंगा। सर दोराई का ऑडिटर, उसका ड्राइवर, ये उसके घर की नौकरानी और ये उसके चेले लोग, सब लोग इसके अंदर हैं। सर दोराई के फोन को हैक नहीं कर सकते क्योंकि वो सैटेलाइट फोन यूज करता है, और उसका लैपटॉप उसके सिवा कोई नहीं खोल सकता क्योंकि उसमें सिक्योरिटी अलर्ट एक्टिव है, और उसके घर के अंदर घुसना इतना आसान नहीं है सर। सब लोग ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं भी गुस्से में निकला था, क्या करूं, मैं सोते समय भी पुलिस वाले का दिमाग पुलिस की तरह काम करता है। लेकिन वहाँ पर एक आदमी ऐसा है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है ज्योति। आदमी दिखने में बहुत खतरनाक है, उसकी और दोराई की क्या डीलिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन उसे राजनीति में ले आने वाला वो दोराई ही है सर। इस इलेक्शन में ज्योति ये चाहता है कि दोराई उसे MLA की सीट दे। सर पिछले महीने हमारे एरिया में एक बॉम्ब फूटा था कि नहीं? हाँ सर, ये बॉम्ब तो अपने कान में लगा लीजिए सर, नहीं तो कोई आवाज नहीं आएगी। पिछले महीने हमारे एरिया में एक बॉम्ब फूटा था ना, वो ज्योति के घर में तो फूटा था। जब पूछताछ करके देखा तो ये सब एक पब्लिसिटी थी, प्रचार के लिए अपने ही घर में उसने खुद बम रखा हुआ था। लगा लिया तो अब हाँ क्यों कर रहे हैं? इस बम ब्लास्ट के बाद उसकी सिक्योरिटी के लिए हमारे स्टेशन से आदमी जाते थे, तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है, इस ज्योति के बारे में पता करना। अगर दोराई के बारे में हमें सब कुछ जानना है तो हमें इसका पीछा करना होगा। ये तो चेहरे से ही कॉमेडियन लग रहा है, तो इसके पीछे सीरियस होके क्या फायदा? तो फिर क्या करेंगे? इसके लिए तो हमारा ही रास्ता सही है भाई। बॉस एक बात बताओ, भाई ऐसे क्यों आ रहे नीचे? छोटे आज सोमवार है, पूरब में दिशा शूल है, इसीलिए उत्तर की तरफ से आ रहे हैं। अरे यार पैर मत खींचो। तो फिर घर के उत्तर में दरवाजा निकालना चाहिए था ना। ये भाई को पता नहीं है क्या, वास्तु के हिसाब से उत्तर दिशा में दरवाजा खोलना वास्तु दोष लगता है, और इसके अलावा उत्तर दिशा में वायु भगवान का प्रकोप भी रहता है, भाई को हवा सूट भी नहीं करती, उड़ने का डर रहता है ना। पहले आप चूसे हुए आम की तरह लगते थे, लेकिन नेता बनने के बाद मर्सिडीज की तरह चमकते रहते हैं। रहकर क्या फायदा, लड़कियां नहीं है। हां कोई फायदा नहीं है। कौन है? कौन है ये? आप कौन है भाई?
सर, महेश, आपके एरिया का पुलिस कांस्टेबल। बैच 87, बैच नंबर 57827। ट्रेंड एट थाने, कंट्रोल बाय पुलिस स्टेशन, वर्किंग एट R5 पुलिस स्टेशन। हमारी और कोई ब्रांच नहीं है सर। मैं आपकी सुरक्षा के लिए आया हूँ सर, एंड आई एम हैविंग 9 नंबर मॉडल पिस्टल सर। भाई, फूल तो ठीक है, लेकिन थाली से क्यों मार रहे हो? लड्डू सर, लड्डू और लंगोट साथ में आता है सर। ये कौन सी कहावत है? अरे मुझे नहीं पता, उसी से पूछो। भाई, इसके पहले महेश नाम के एक आदमी ने काम किया था, उसका क्या हुआ? दूसरी बीवी, तीसरा प्रसाद, 4 दिन छुट्टी पे गया है सर। आपका नाम क्या बताया आपने? सर, भाई सिर्फ नाम बताइए। महेश माने मांजरे सर। देखो मेरे भाई, सर हाथ पैर ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बॉस बोलो, बॉस। भाई आपको तो वीर पुरुष पसंद है ना, वो भी ठंडे दिमाग वाले। अरे वो कविता करने के लिए ऐसा कहा, तुम बतंगड़ मत बनाओ। भाई इसके बाद आप मेरे साथ रह सकते हैं, हफ्ते में एक दिन आपको छुट्टी मिलेगी। इसमें ड्यूटी सर, आप जब चाहे तब आपकी चटाई और जब चाहे तब आपकी बीवी बनकर रहूंगा सर। क्या कहा इसने, कहावत बड़ी अच्छी है। बार-बार मुझसे क्या पूछ रहे हैं, उसी से पूछिए ना। भाई हफ्ते में एक बार एक इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलना होगा, उसका नाम है दोराई। चलो मेरे साथ। भाई उस तरफ दोराई नहीं है, उधर तो कुत्ते बैठे हैं, इस तरफ से चलिए। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते भाई। ये अपना ही आदमी है, गार्ड है। तिल बोलेगा तो तेल निकलता है, पत्थर बोले तो पुतला बन जाता है, और घास बोले तो भूसा बन जाता है। तू मुंह बंद करके खड़ा रहे। तो साहब आप चला जाए। बहुत अच्छे, जितना खाना है उतना लेना बच्चा ही है। हमारे भाई और दोराई के बीच कुछ अलग ही बिजनेस की डीलिंग चल रही है। दोराई बोल रहा है कि 5% ले लो, लेकिन भाई 10% के लिए अड़े हुए हैं। लड़कियां आदमी को चेंज नहीं करना चाहती, वेट करती हैं। ये बात तो फोन पर ही बतानी चाहिए थी ना। हाय, आई एम सतीश, शॉर्ट में बोला जाए तो तुम्हारे प्यार का दुश्मन। समझ में आया ना? दिव्या की दीदी का मैं हस्बैंड हूँ। ओह, नाइस इंट्रोडक्शन। मैं ऐसा ही हूँ। हेलो, नाइस टू मीट यू। दिव्या ने मुझे सब बताया, कल उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था। अरे ये क्या, बस सुबह से टीवी देख रहे हो, जरा फोन करके पूछो वो कहाँ तक पहुँचे हैं। सुबह से 15 बार पूछ चुका हूँ, अभी रास्ते में। कोई बात नहीं, और एक बार पूछोगे तो आपकी जबान नहीं घिस जाएगी। अरे ये वहाँ रख दे, सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। हाँ सर, मैंने फाइल्स भिजवा दी थी। शो सर, मैं चेक कर लूंगा। ओके सर। नमस्ते जी, मैं महेश की माँ हूँ। मुझे सारी बातें पता है, यह आपकी बेटी की जिंदगी है, आपको ही फैसला करना होगा। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मेरे बेटे को पुलिस की नौकरी पसंद है, वही उसका लक्ष्य है। सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी सपना है। इसके पुलिस बनने के पीछे उसका कारण है, उसके पापा इंस्पेक्टर रत्नेश। पुलिस की नौकरी मिलने के बाद हम लोग बहुत खुश थे। इंस्पेक्टर बनने के 6वें दिन में ही फायर एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई। लोगों को बचाते बचाते वो अपने आप को ही बचा नहीं पाए। लेकिन मेरे बेटे ने अपने पापा के फोटो पे कभी हार नहीं चढ़ाया। उनके गुजरने के बाद उनके ही जगह पर वही वफादारी के साथ मेरे बेटे ने काम किया। मेरा बेटा सपने में भी नहीं सोच सकता पुलिस की नौकरी छोड़ने के लिए। उनके गुजरने के बाद मैं बहुत दुखी थी। चिंता मत करो माँ, मैं हूँ, बहन है, हम लोग देख लेंगे, ऐसे कहा मेरे बेटे ने। बचपन में जो कहा वो कर दिखाया। मेरा बेटा हजारों में एक है, मुझे उस पर गर्व है। पुलिस की नौकरी कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, मैं उससे खुश हूँ। सबको ऐसा अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता, आपकी बेटी को मिला है, उसे हमेशा खुश रखेगा। चाहे जो भी हो, अपनी बेटी की शादी में पुलिस वाले से नहीं करूंगी। माँ आप क्यों इतना जिद कर रही हैं? ये दिव्या की जिंदगी है, फैसला उसे ही करने दो माँ। ए तू बीच में मत बोल। माँ क्यों, माँ क्या बोल रही हो, अपने घर आए हैं, पहले बिठाओ तो सही। तू चुप कर। मीनाक्षी कैसे बात कर रही हो, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए ना। ओके, अगर आप सभी की राय है तो इन दोनों की शादी आप करवा दीजिए, लेकिन मेरी सहमति नहीं है। कल अगर वो दोनों शादी करके आएंगे तो क्या आशीर्वाद नहीं देगी? वो सब करूंगी ना। हाँ। लेकिन मेरी सहमति नहीं है। कल को उनका बच्चा होगा तो आप बच्चे को प्यार नहीं करेंगी? वो सब करूंगी मैं, लेकिन मेरी सहमति नहीं है। एक्सक्यूज मी।
क्यों जी वॉचमैन घर पर आ गए, इन्हें कुछ दिया नहीं क्या? हेलो हेलो हेलो, आई एम शिवा फ्रॉम अमेरिका, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मंथली सैलरी 1.5 लाख रुपीस। आप मुझे लड़की देखने के लिए यहाँ बुलाए थे, यहाँ पर आया तो आप सब बातों में बिजी हो, आप लोग बातें कर लो, मैं बाहर वेट करता हूँ। हमारी बातें तो खत्म हो चुकी है। By the way, आप कौन हो? ये मेरी बेटी से शादी करने वाले हैं। कौन सी बेटी? आप जिसे देखने आए थे उसी से। या by the way, I'm महेश माने, मैं यहीं का हूँ, कांस्टेबल हूँ, just 14,000 सैलरी। बाय। हाँ जाओ जाओ। बाय। हाँ हाँ जाओ। बाय बाय। इंजीनियर पर हवलदार भाई कर गया यार। अरे आप जब से आए हैं बैठे ही नहीं, आइए ना अंदर आइए, श्वेता कॉफी लेकर आ।